दिल्ली के द्वारका एक फेस टू में आम आदमी पार्टी की पूर्व निगम प्रत्याशी माधुरी रावत वैष्णियों के द्वारा निशुल्क रोजगार पंजीकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के बेरोजगार लोगों ने पंजीकरण कराया। आम आदमी पार्टी की पूर्व निगम प्रत्याशी माधुरी रावत वैष्णियों ने बताया कि यह रोजगार में दिल्ली सरकार के द्वारा लगाया गया, जिसमें लोगों को रोजगार देने के लिए पहले पंजीकरण करना होगा। आइए हम सुनाते हैं माधुरी रावत वैष्णियों का क्या जी कहना? मेरा नाम माधुरी है जी और मैं वार्ड 36 से हूँ। मैम आज ये रोजगार मेला किसकी तरफ से और किन लोगों के लिए रोजगार खुला है आपने? जी ये सभी तरह के सभी एज ग्रुप के लिए, किसी भी क्वालिफिकेशन के व्यक्ति हों, बहनें हों हमारी, उन सभी के लिए खोला गया है। पिछले 2 साल से सभी लोग, बहुत सारे परिवार जो है वो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं और मेरे पास अमूमन रोज़ ही 5 से 10 कॉल आती थी जिसमें वो हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि हमें प्लीज़ कहीं ना कहीं कुछ रोज़गार दिला दिया जाए। तो मैंने कुछ कंपनी से बात की, मैंने अपने कुछ सहयोगियों से मदद मांगी और ये निश्चय किया कि आज हम एक रोज़गार मेला लगाते हैं। जैसे यहाँ पर लेबर होम की तरफ से, जो कि एक दिल्ली सरकार का ही एक प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने का, तो उनके माध्यम से हमारे साथ आई एक्ट हैं, ओम इनोवेशन नाम की कंपनी है उनको हमने आमंत्रित किया है, देश मित्र नाम की कंपनी है उसको हमने आमंत्रित किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों और बहनों को हम रोज़गार दे पाएं। किस तरह का रोज़गार आप देंगे? ये हर तरह का है, इसीलिए जब जो भी यहाँ पे रोज़गार के लिए आ रहा है, चाहे वो पेंटर हो, प्लम्बर हो से लेके, अगर वो कंप्यूटर इंजीनियर भी है तो उसका भी यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल ले रहे हैं, ताकि आगे बड़ी बड़ी जो भी कंपनीज लेबर होम के तहत एनरोल्ड हैं दिल्ली सरकार के साथ, उनको इनके सीवीज भेजे जा सके। ये जो रोज़गार आम आदमी पार्टी ने शुरू किया वार्ड के हिसाब से, या किस आधार पे किया, या फिर कोई कहीं भी इसमें वो करवा रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? ये इसमें कोई भी करा सकता है, जो भी इनिशिएटिव लेना चाहता है, जो भी ये कैंप लगाना चाहता है, वो हमारी लेबर होम जो संस्था है उसको संपर्क कर सकता है और अपने क्षेत्र में लगा सकता है। लगभग कितनी सैलरी इन लोगों को दी जाएगी जिनको रोजगार दिया? देखिए ये तो लेबर एक्ट के हिसाब से ही मिलेगा, जो भी होगा सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, तीनों तरह के हैं, सैलरी उसी के ही माध्यम से दी जाएगी। माधुरी जी क्या ये परमानेंट जॉब होगा या फिर डेली वेज पे रहेगा? नहीं ये परमानेंट, और देखिए ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें डेली वेजेस पे चाहिए, परमानेंट चाहिए, एडहॉक पे चाहिए। ये एक बार इन लोगों का पंजीकरण हो जाए उसके बाद कंपनीज डिसाइड करेंगे। जैसे आपने एक दो कंपनी का नाम लिया, लगभग कितनी कंपनियों से टाई अप हुआ? देखिए लेबर होम के पास तो नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार पहले भी रोजगार मेला लगा चुकी है। इसके अलावा जो कंपनी यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आई है, जो कि एयरटेल जैसी कंपनीज में जॉब ऑफर कर रही है, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे आपको इसके विषय में कि किस तरह की जॉब है और वो कितना सैलरी या किस तरह से अपॉइंटमेंट कर रही है। माधुरी जी अपने वार्ड वालों को जिनको जॉब की जरूरत है उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के रोजगार मेले के द्वारा? मैं बिल्कुल उन सभी भाइयों और बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन ये करना चाहूंगी कि जिसको भी जरूरत है वो जरूर इस मेले में जरूर आए, थोड़ा समय निकाल के अपना पंजीकरण जरूर कराएं और अपने आसपास के साथियों को भी इस बारे में जरूर इन्फॉर्म करें। राकेश जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह जो रोजगार मेला आज यहाँ पे लगा हुआ है? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 2 साल कोविड का जो पैंडेमिक चला उसमें इतना सिचुएशन खराब है लोगों का, आज सभी को नौकरी की जरूरत है, उसके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। किस तरह की जॉब यहाँ पे दी जाएगी, प्राइवेट या गवर्नमेंट? हर प्रकार की जॉब है, लेबर होम दिल्ली गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट है और उसके थ्रू ये जॉब मेला लगा हुआ है, तो जितने भी लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके अकॉर्डिंग उनको जॉब मिलेगी। किसकी तरफ से ऑर्गेनाइज? ये माधुरी जी जो माधुरी वैष्णव है यहाँ पे पूर्व प्रत्याशी नहीं है आम आदमी पार्टी की तरफ से, इस वार्ड से उनकी तरफ से। दिल्ली सरकार का कितना सहयोग है? पूरा 100% सहयोग है दिल्ली सरकार। किस तरीके से? हर प्रकार का, ये एसोसिएशन ही है, एसोसिएशन के कारण ये लगा हुआ है, लेबर होम एसोसिएट है दिल्ली गवर्नमेंट।